मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की सेवा के लिए परिवहन सुविधा का विस्तार किया जाए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की नगर परिवहन सुविधा को देखते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को इस मद में मांग के अनुसार आवंटन दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु में 52 बसें 6 शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर को मिली हैं, जिसमें इंदौर को 150, भोपाल को 100, ग्वालियर को 70, जबलपुर को 100, उज्जैन को 100 और सागर को 32 ई बसें का संचालन मिला है। बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, इसके लिए 4,167 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण प्रस्ताव की स्वीकृत हुई है 332 करोड़ रुपये, और इसमें 11,450 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया में सिंचाई का लाभ सिवनी और बालाघाट जिले के किसानों को मिलेगा। बाणसागर बहुद्देशीय परियोजना जो रीवा और सीधी को कवर करती है, इसमें बहुत ही नहर को भारत सरकार की मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क, जिसमें 60% केंद्र राशि देता है और 40% राज्य सरकार देता है, इसमें 1,146 करोड़ रुपए की मतलब जो इरिगेशन की मूल योजना थी उसको परिवर्तित करके माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट किया गया है। उसमें सिंचाई एक बड़े एरिया में सिंचाई से संभव हो सकेगी। कमांड एरिया बढ़ गया, जो पहले बहुती में 60,000 हेक्टेयर था वो बढ़ के 80,000 हेक्टेयर हो जाएगा, तो 20,000 हेक्टेयर इस कन्वर्जन के कारण अतिरिक्त सिंचाई संभव हो सकेगी। इसके साथ ही स्टार्टअप एंड इनक्यूबेशन के संबंध में किए जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत करने हेतु मध्य प्रदेश कार्य नियम में संशोधन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने हेतु आयोग का गठन होगा। आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आयोग का स्वरूप, इन सब चीज़ों के लिए आयोग के गठन की स्वीकृति मिली है, जिससे और ज़्यादा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हो सकेगा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने एवं 53.74 करोड़ के अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया है। अब उन्हें भी 6वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट, जो भारत सरकार ने 221 में एक नया कानून को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पैरामेडिकल के संचालन, उनके स्टाफ और सारे बेहतर प्रबंधन के लिए, उस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश में जो MP पैरामेडिकल परिषद होता था, उसकी जगह मध्य प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन का अनुमोदन किया गया है। अब पैरामेडिकल काउंसिल के सारे जो काम है वो इस काउंसिल के माध्यम से किए जाएंगे, इसका भी आज अनुमोदन कैबिनेट में हुआ है। मध्य प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, पहले MP नर्सिंग काउंसिल था। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 17,000 करोड़ से अधिक के भूमि पूजन, लोकार्पण
माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो 29th कोहना है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक तरह से वो समापन भी होगा, जिसमें पूरे देश भर में लोकार्पण और शिलान्यास के काम होंगे, तो इसमें ये वर्चुअली किया जाएगा। इसमें सभी मंत्रीगण अपने अपने विधानसभा से इसमें शामिल होंगे और जनप्रतिनिधि जो होंगे वो भी अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहेंगे। लाखों लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। कल हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी सभी मंत्री और विधायक और सांसदों को निर्देश हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि ठीक प्रकार से सर्वे और राहत राशि का वितरण हो जाए।